It is said that you can never be inspired or motivated by the works of Ghalib. You can only be haunted by them. Hello. Welcome to Sarir-e-Khama. I am tempted to say episode 1, but I don't know whether there will be an episode 2 or not. It depends as much on me as it does on you. It's a great honor to be doing this on the 225th birthday of the greatest poet of all time, Mirza Asadullah Khan Ghalib. We are going to take one ghazal of Ghalib today और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसके क्या मतलब है और क्या मायने हैं. We can only try. Because what he wanted to convey is maybe known only to him. And maybe no one has understood it the way he wanted us to understand. About the ghazal that we are going to start off with. Again, I am being very optimistic when I say start off with. Ho sakta hai iske baad main kuch karu hi na. Ek aur cheez hai. Mujhe bahut doubt tha ki ek bahut bada sawal tha man mein. Ki ye mujhe jo, main jo kar raha hu, ye shayad mujhe 3 ya 5 ya 10 saal se karna tha. एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि इसे मैं इंग्लिश में करूँ या हिंदी में करूँ. तो मैंने सोचा कि शुरू करते हैं. जज्बात और भाषा जिस दिशा में लेके जाए उस दिशा में बहते चले जाएंगे. सो द गजल दैट गोइंग टू स्टार्ट विथ, इट हैज वन वेरी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक. एवरी वर्स एंड्स विद अ क्वेश्चन. हर शेर एक सवाल से खत्म होता है. तो ये सवाल भी लग सकता है, बट माय ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन इज दैट इट्स अ रेटोरिकल क्वेश्चन. वो इस शेर में अगर पूछ रहे हैं कि ये होगा क्या, तो वो पूछ नहीं रहे, वो बता रहे हैं कि ये होगा. तो ये गजल जो हम आज, जिसके मतलब और मायने हम आज समझने की कोशिश करने वाले हैं, हम कोशिश ही कर सकते हैं, कुछ इस तरह से है. दोस्त गम ख्वारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या, जख्म के भरने तलक नाखून बढ़ जावेंगे क्या. तो दो सवाल पूछे हैं. गमख्वार इज अ पर्सन, इज अ सिंपथाइजर, जो गम में आपको सांत्वना देने जाता है. एंड इफ यू कंसिडर द रेटोरिकल क्वेश्चन इम्प्लीकेशन, हाउ डज इट अप्लाई टू दिस. मेरे दोस्त मुझे गम में कंसोल करने आए हैं, सांत्वना देने आए हैं, वो मुझसे सच बोलेंगे. रेटोरिकल क्वेश्चन अगर देखो तो वो ये कहना चाहता है कि वो मुझसे सच नहीं बोलेंगे. द ट्रूथ इज नेवर अ कंसोलेशन, बिकॉज द ट्रूथ इज ऑलवेज हार्श एंड ऑलवेज वेरी ब्रूटल. तो चॉइस है, या तो वो मुझे कंसोल करेंगे या मेरे से सच बोलेंगे. वो शेर का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देख के तो ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों चीजें साथ में हो सकती. जख्म के भरने तलक नाखून बढ़ जावेंगे क्या. देर आर टू थिंग्स हियर विच आई कुड अंडरस्टैंड. द फर्स्ट इज, किसी और की औकात नहीं है कि आपको कोई जख्म दे दे. Nobody is that competent. हम खुद के नाखूनों से ही खुद को जख्म देते हैं और शायद उसे कुरेदते भी रहते हैं. ये पहली चीज है, किसी और की कोई औकात ही नहीं है. एंड द सेकेंड थिंग, बिफोर एन ओल्ड वाउंड इज एक्सटिंग्विश्ड, वी मेक प्रोविजंस फॉर अ न्यू वाउंड. इससे पहले कि पुराना जख्म भर जाए,
हम नए जख्म का इंतजाम कर लेते हैं। अब वो चाहे इश्क हो या किसी बैंक का कर्जा हो, आप इस तरह से भी उसको समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है वो इश्क के बारे में ही बोल रहा है, हालांकि कंटेक्स्ट से तो यही लगता है। तो ये था पहला शेर। हजरते ना से गरावे दीदाउ दिल फरशेरा, कोई मुझको ये तो समझा दो के समझावेंगे क्या। इफ द ऑनरेबल एडवाइजर wants to come, obviously to advise me, my heart and my eyes are lying in wait for him. ऐसा हम बोलते ना कि मेरी आंखें फर्श पे बिछी हुई हैं, उसी तरह का कुछ एक सिमिली है। दीदा उ दिल फरशेरा, रास्ते में जो जमीन है उस पर मेरा दिल और मेरी आंखें उनके इंतजार में बिछी हुई हैं। बट कैन समवन प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड व्हाट इज ही गोइंग टू मेक मी अंडरस्टैंड। वो मुझे समझाएंगे क्या? हो सकता है वो ये कहना चाहते हैं कि शायद ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो मैं नहीं जानता हूं, तो वो समझाएंगे क्या? रेटोरिकल क्वेश्चन, मतलब वो कुछ भी नहीं समझा पाएंगे। नाउ वंस यू टेक दिस इंटरप्रिटेशन, द टर्म ऑफ रिस्पेक्ट गिवन इन द फर्स्ट लाइन हजरत ए नासे है, दैट बिकम्स सरकैज़म, दैट इज ब्रूटल सरकैज़म। आजादे जुल्फ है जंजीर से भागेंगे क्यों, है गिरफ्तारे वफा जिंदा से घबरावेंगे क्या। आई एम ऑलरेडी बाउंड बाय द कर्ल्स ऑफ योर हेयर, वुड आई बी वरीड अबाउट चेन्स ऑफ स्टील, चेन्स ऑफ आयरन, चेन्स ऑफ मेटल? The strength of the chain of the curls of your hair is much more stronger than the chains of any steel. Why would I run away from those chains of steel? I'm already a prisoner of the curls of your hair. Khana zade zulf hain zanjeer se bhagenge kyon, है गिरफ्तारे वफा जिंदा से घबरावेंगे क्या। आई एम ऑलरेडी इम्प्रिजेंड बाय लॉयल्टी। नाउ आई एम नॉट श्योर दिस पार्ट इज प्रो लॉयल्टी बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट बीइंग इम्प्रिजेंड, कैद है वो, वफा ने उसको कैद करके रखा है। ओके, तो ये वफा को एक पॉजिटिव नजरिए से देखने की कोशिश है, ऐसा मुझे तो नहीं लगा। हो सकता है मैं गलत हूं, ऑफ कोर्स मैंने जैसे पहले ही बोला था वो क्या चाहते थे कि लोग समझें ये तो उन्हीं को पता है। तो है गिरफ्तारे वफा जिंदा से घबराएंगे क्या। द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लॉयल्टी इज मच मोर सिवियर देन एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट एंड आई हैव विदस्टूड दिस इम्प्रिजनमेंट, वुड आई बी स्केर्ड ऑफ दैट, वुड आई बी स्केर्ड ऑफ दैट। कर किया ना से ने हमको कैद, अच्छा यूं सही,
ये जुनून इश्क के अंदाज छूट जावेंगे क्या? लेट्स अज्यूम फॉर अ मोमेंट कि वो ना से एक्चुअली आए, उन्होंने मुझे कोई सलाह दी और वो सलाह ने मुझे कैद कर लिया। सलाह कैद कब करेगी? गर किया नासे ने हमको कैद, सलाह आपको कैद कब करेगी? जब वो मानोगे आप, जब उसको इंटरनलाइज करोगे। वो अब मैंने कर भी लिया, उसके बाद भी जुनू ने इश्क के अंदाज छूट जाएंगे क्या? रेटोरिकल क्वेश्चन। जुनू ने इश्क के अंदाज नहीं छूटेंगे। जुनू ने इश्क, ये जुनू ने इश्क के अंदाज, अब ये इश्क के अंदाज क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है। हाउ डू यू फॉल इन लव? हाउ डू यू एक्सप्रेस योर लव? What is the entity that you are falling in love with? How deeply do you fall in love? How frequently do you fall in love maybe? Because junoon hai. Koi rationality thodi hai. Junoon mein rationality thodi rehti hai. So just because somebody has said that somebody has given me advice, and I am convinced by that advice, will it change my basic nature? It won't change my basic nature. Gar kiya nase ne humko qaid, acha yun sahi, ye junoon ne ishq ke andaaz chhut jayenge kya? Hai ab is mamur mein kehte ghame उल्फत असद, हमने ये माना के दिल्ली में रहे खावेंगे क्या? इन दिस सिटी देर इज अ सीवियर ड्राउट ऑफ द सॉरो ऑफ लव। हैं अब इस मामूर में, इस शहर में, कहते गमे उल्फत असद, कहत ड्राउट, गमे उल्फत द सॉरो ऑफ लव, असद उनका तखल्लुस, असद भी उनका तखल्लुस है, गालिब भी उनका तखल्लुस है। नाउ व्हाट डज ही मीन बाय दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड इज कहत, which means drought. He could have used a word for famine. He could have used a simple word which means scarcity. No, kahat. Now when you say drought, it somehow gives the visual that the sorrow of love is fluid. It's like an ocean, maybe a sea, rain maybe, with rain, right? हमने ये माना दिल्ली में रहे खावेंगे क्या? So in this city, there is a drought of the sorrow of love. How will I survive in this city? हमने ये माना दिल्ली में रहें खावेंगे क्या? और उनके लिए खाने का जरिया तो शायद शायरी थी। तो अब इसको एक पॉजिटिव सेंस में भी इंटरप्रेट किया जा सकता है बाय अ ह्यूज स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। इफ देर इज नो लव, देर कैन बी नो सॉरो। So when he says कहते गमे उल्फत असद, वो गमे उल्फत की प्रिडोमिनेंटली बात नहीं कर रहे हैं, वो उल्फत की प्रिडोमिनेंटली बात कर रहे हैं।
तो वहां से फिर ये मतलब निकलता है कि ऐसे शहर में मैं कैसे रह सकता हूं जहां मोहब्बत ही नहीं है, जहां इश्क ही नहीं है। बट मुझे तो लगता कि उनका मतलब वो शायद नहीं था, उनका मतलब गमे उल्फत ही था। अब मेरा ऐसा एक मानना है, दिस व्हाट आई पर्सनली बिलीव, कि खुशी में तो फिल्मों के गाने लिखे जाते हैं, शायरी तो गम में ही होती है। और अगर वो शायर हैं तो वो शायरी का मुद्दा क्या है, वो शायरी किस मसले पे लिखी जाती है, वो शायरी लिखी जाती है गमे उल्फत पे। तो अगर शहर में गमे उल्फत है ही नहीं तो मैं शायरी क्या खाक करूंगा। मेरा ये एक छोटा सा एफर्ट आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि गालिब की कोई गजल के कुछ मायने और समझने हैं जो आपको ऑलरेडी मालूम होगा, लेकिन आपको उसके कुछ और मायने समझने हैं, या आप अगर कुछ चाहते हैं कि इस सीरीज में हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, और वहीं से इंस्पिरेशन मिलेगा और वहीं से मजा आएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोनंसिएशन में कोई गलती हुई तो क्षमा कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।